इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की 10 जबरदस्त एडवेंचर फैंटेसीज मूवी के बारे में, और ये सभी मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और सभी मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिस्ट की पहली मूवी है ऑर्थर द मिनिमस। ये 2006 की मूवी है और इसको IMDb में 6 पॉइंट की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक 10 साल का बच्चा अपने दादा के घर को डिमोलिश होने से बचाने की कोशिश करता है, और वो इसके लिए एक खजाने की खोज में निकल जाता है। ये एक ज़बरदस्त एनिमेशन एडवेंचर मूवी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस लिस्ट की सेकंड मूवी है डोलिटल। ये 2020 की मूवी है और इसको IMDb में 5.6 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक फिजिशियन है जो जानवरों से बात कर सकता है, और वो अपने अजीब से पालतू जानवरों के साथ एक लेजेंडरी आइलैंड को खोजने में लग जाता है। ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर फैमिली मूवी है जो आपको पसंद आएगी। इस लिस्ट की तीसरी मूवी है अलादीन। ये 2019 की मूवी है और इसको IMDb में 7 पॉइंट की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया कि अलादीन के पास एक चिराग होता है जिसमें से जिन बाहर निकलता है जो उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। तो वो उसके साथ क्या क्या इच्छाएं मांगता है और जिन कैसे उसकी इच्छाओं को पूरी करता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस लिस्ट की चौथी मूवी है हेल्प आई श्रंक माई टीचर। ये 2015 की मूवी है और इसको IMDb में 5.1 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक बच्चा अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जादू की मदद से 6 इंच का कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हैं। इस लिस्ट की पांचवी मूवी है द नट क्रैकर इन 3D। ये 2010 की मूवी है और इसको IMDb में 4.2 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची को क्रिसमस ईव को एक मैजिकल डॉल मिलती है। उसके बाद उससे वो क्या करती है, ये तो आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी मूवी है जिसे एक बार आप तो देख ही सकते हैं। इस लिस्ट की छठी मूवी है द सीक्रेट ऑफ द मैजिक गॉड। ये 2007 की मूवी है और इसको IMDb में 5.1 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक छोटे से लड़के को एक जादुई लौकी मिलती है जो उसकी इच्छा पूरी करता है। तो बच्चा उससे कैसी कैसी अपनी इच्छाएं मांगता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक फैंटेसी फैमिली मूवी है जिसे एक बार देखा जा सकता है। इस लिस्ट की सातवीं मूवी है नेवरलैंड। ये 2011 की मूवी है और इसको IMDb में 6.4 की रेटिंग मिली है। ये एक टीवी की मिनी सीरीज थी, और बात करें इस सीरीज की, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक जादुई दुनिया का सफ़र, साथ ही साथ इसमें खजाने की खोज और बहुत सारे मैजिक। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जो आपको पसंद आएगी। इस लिस्ट की आठवीं मूवी है कुंभा। ये 2013 की मूवी है और इसको IMDb में 5.7 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि एक जेबरा को उसके झुंड वाले बाहर निकाल देते हैं एक अंधविश्वास के कारण, क्योंकि उस जेबरा के सिर्फ आधे शरीर में ही धारियां होती है। उसके बाद वो जेबरा उन धारियों को वापस लाने की कोशिश में लग जाता है। तो उसे वो धारियां मिल पाती है या नहीं, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त एडवेंचर फैमिली मूवी है जो पसंद आएगी आपको। इस लिस्ट की नवी मूवी है द प्रेस्टीज। ये 2006 की मूवी है और इसको IMDb में 8.5 की रेटिंग मिली है, जो कि एक शानदार रेटिंग है। अब बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि दो बड़े दिग्गज जादूगर एक दूसरे से बड़ा इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, ये सब आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक साइंस फ्रिक्शन मिस्ट्री वाली मूवी है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस लिस्ट की दसवीं मूवी है द मंकी किंग। ये 2014 की मूवी है और इसको IMDb में 4.9 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसमें दिखाया गया है कि स्वर्ग के एक पत्थर से मंकी किंग का जन्म होता है। उसके बाद वो अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी तरफ देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा होता है। तो ऐसे में वो मंकी किंग किसका साथ देगा, देवताओं का या फिर राक्षसों का, ये तो आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले।